नमस्ते इंडिया, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया। आज मैं आपको इंडिया के बारे में ऐसी 8 बातें बताने जा रही हूँ जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट गलियों में दम तोड़ता है और जिनके पास पैसा होता है उनका हल्ला हर जगह बोलता है। हमारे यहाँ जिनके पास टैलेंट है उनके पास पैसे नहीं है और इसलिए वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टैलेंट नहीं है उनके पास बहुत पैसे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ रातों रात सरकार बन सकती है और नोटबंदी भी हो सकती है, लेकिन रेप करने वालों को फांसी सालों तक नहीं होती। हमारे यहाँ रेप जैसे केसों पर न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इंडिया में नेपोटिज्म बहुत फैला हुआ है और ये नेपो किड खुद के लिए अवार्ड खरीदने के बाद ऐसी तस्वीरें डालते हैं और वहीं दूसरी ओर देश के लिए पदक जीतने वाले खुद को सिर्फ साधारण इंसान बताते हैं। भारतीय संस्कृति के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण, यहाँ लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। यहाँ किसी भी लड़की को छोटे कपड़े पहनने से रोक दे तो उसकी सोच पर उंगली उठा दी जाती है और उसे छोटी सोच का बता दिया जाता है। इसी वजह से आज भारतीय संस्कृति खतरे में है। दोस्तों, हमारे यहाँ नाबालिग बच्चा अगर पेट के लिए काम करे तो वह बाल अपराध है और वहीं दूसरी ओर अगर वही बच्चा पैसे कमाने के लिए सीरियल में काम करे तो वह बाल कलाकार है। इतना डिफरेंस क्यों? दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे यहाँ टिकटॉक पर गंदे गंदे वीडियोस पर लाखों लाइक होंगे क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम बर्बाद किया है और वहीं दूसरी ओर अगर कोई फ्री में ज्ञान बांट रहा है तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि उसे एक लाइक भी कर दे। इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट, हमारे यहाँ एक अकेली माँ 5 बेटों को पाल सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन 5 बेटों से एक अकेली माँ नहीं पाली जाती। सेम बागवान मूवी जैसी वाली बात, लालच है इसे बच्चों पर। और आज के वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जो दहेज मांगे उसे भीख दो, बेटी नहीं। लेकिन शादी के पहले लड़के की सरकारी नौकरी देखने वालों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। आज मैंने जो ये 8 पॉइंट इंडिया के बारे में बताए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? और अगर मैंने इस वीडियो में कोई भी बात गलत बोली हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इन बातों पर हमें सबको सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।